only scold at all. Scolding has never done good. Never, ever. किसी बुक किसी एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल्स लेकर मत चलिए। आप प्रॉब्लम इज शॉर्ट टर्म गोल्स। हम कहते हैं तो कई स्कूल में एक आ गया दिलबाग डंडा डंडा, इससे बढ़िया कोई रूल नहीं है। देख मेरे स्कूल में एक भी बच्चा ची नहीं करता। मैंने कहा अपनी ची कर रहा है, लेकिन किसी वक्त पूरी दुनिया को चू चू करवा देगा ये, आज नहीं। यू नो वी लुक फॉर यू नो एट लीस्ट 10 इयर्स डाउन द लेन दैट यस this child who has been rebuked, reprimanded, who has been tortured, what he is going to do after 10 years, not right now. Don't look for short term results. कोई फायदा ही नहीं उसका। बच्चा आपका कहना मान रहा है बहुत अच्छी बात है, वो क्यों मान रहा है वो आपको एक स्लाइड में आगे में बताने की कोशिश। क्यों नहीं समझ आती? ये देख देख इधर देख, पागल कर दिया तूने मुझे, सुबह से शाम तेरे पीछे पड़ी रहती हूं, तेरा बाप मेरे को वैसे नहीं दिखने देता, और ये कर दे ज्वालामुखी और एकदम एक शीतल झरना बहता हुआ और उसने वो गोते खा रहा है। बीच में फिर फादर आया था, मेरे बारे में कुछ बोला। अभी वो आए हैं, ओके डार्लिंग कपड़े कर दिए प्रेस, हाँ हम पार्टी में जा रहे हैं, और मेरा वही वाला सूट, ओके प्लीज वही, और तुम वही साड़ी, ठीक है। बच्चा देख रहा है, और फिर में ये इंसिडेंट बीच में हो गया, तुम 24 घंटे इसके पीछे पड़ी रहती हो, तुमने अपने आप को देखा था? तो मैंने तेरे को भी देखा, तेरे पूरे खानदान को समझा, तेरा बाप देखा था मेरी मैरिज में कैसे कपड़े डाल के आता, सब शर्म आई थी मुझे। और तू जा देखो रवि, बकवास मत करो, क्या करती क्या कर लेगी मेल हो ना, मैं अभी डायल करूंगी नंबर अभी। बच्चा खड़ा है, ये क्या हुआ? अभी तो डार्लिंग हो रही थी, प्यार हो रहा था, जकड़ियां डल रही थी, ये क्या हो रही आपस में, है ना। और वो फिर कई बार शायद वो एब्यूसिव भी हो जाता है, कई बार उसमें कई बार भी है ना फिजिकल भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। और फिर बच्चा हो गया, वो आके सो गया, फिर ये लव बर्ड एक आता है लड़के, सॉरी वो भी कहते हैं सॉरी जानू मुझसे गलती हो गई ना, ऐसे ही करते रहते हैं। एंड फिर अगेन दे आर लव बर्ड्स, फिर वो लविंग। अब बच्चा तो सो गया, उसने जो देखना था वो सीन ही हैज विटनेस्ड, एंड दैट इज गोइंग टू इम्प्रिंट इन हिज माइंड। हम अपनी इच्छा से गुस्सा करते हैं, अपनी इच्छा से ही हम इम्पल्सिव हो जाते हैं, अपनी इच्छा से ही हम समटाइम यू नो वी लूज आवर टेंपर, और फिर अपनी ही विलिंगनेस से हम फिर दोबारा से ठीक हो जाते हैं। 3 to 5 years, इस साल का जो बच्चा है वो इन बातों को नहीं समझ पा रहा है, वो सिर्फ जो देख रहा है, what is, you know, visual, then auditory, and then touch, these all senses, kinesthetic sense, these senses he's working with, that's it. वो उन senses से वो देख रहा है कि ये गुस्सा हुआ, ये मम्मी पापा इतने प्यार में थे, अचानक ये क्या हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर उसके बाद आपकी loving moments को वो नहीं witness कर रहा, उसने सिर्फ वही witness किया जो चल रहा है। Even I have seen parents, they are quarreling while driving cars even. बच्चा पीछे बैठा है, आप जा रहे हो और बहस चल रही है, ऐसे किया तुमने, ऐसे किया तुमने, ऐसे किया, और बच्चा पीछे बैठा है, वो he is observing each and everything. How we can expect from a child? हम आज आपका काबू में आए हो, और रिश्तेदारों के सामने वो ज्यादा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और सारी मैं आज ही अपना निकाल दूं। उसी तरह जब भी आप बेड पे भी हैं, आप अपने लिविंग रूम में हैं, आपकी डॉटर है वो हमेशा बीच में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो अपने फादर के क्लोज आना चाहती है। और फिर आफ्टर द एज ऑफ 6-7 वो इस डोमिनेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे, यस ही इज माय दैट वे कि यस आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट वन, मेरे क्लास में हमेशा आई एम टॉप वन, मतलब। और वो उस हालत में आते हैं जब वो 18-19 के आते हैं, तो दे रियली फेस बैड phase of their life when they start failing, when they start tasting failures, they are not able to cope up with those failures. So always treat a child like a child, whether he performs or he does not. Yes, you can help him, you can assist him, you can give all cooperation that so that he can excel in his or her life, but don't ever tease a child, don't ever compare a child, don't ever do those things, because here his basic strength is fidelity. Fidelity is honesty. Honesty towards relationships. Honesty towards various jobs he's going to handle in his life.
These were the five stages. If I, the most dangerous, that is peer, I tell you, peer is not bad, but peer orientation is extremely bad. You understand? Peer means friend. हमारे टाइम में था वो शोले मूवी देखते थे जय नाम जय है ना गब्बर सिंह और दिस दैट और हम रो पड़ते थे फिल्म देख के ओ यार जय मर गया यार और कई देर हम इमोशनल रहते थे और एक दूसरे को डिस्कस करते थे लेकिन जब बाप की बात आती थी ना बेटा तो सारा वीरू सारा जय भूल जाते क्योंकि वी वर नॉट ऑरिएंटेड First orientation start with this digital world. सबसे पहले digital world है क्योंकि बच्चे को हमने उससे acquaint करवा दिया, उसके room में दे दिया। मेरी advice ये रहेगी कि don't provide these all things in his personal. Even a child of 10 year can misuse, rather they misuse. Can नहीं वो करते हैं। I have visited numbers of school में सब हो गया और ऐसा yes yes papa please don't disturb me आपको नजर नहीं आ रहा है। प्लीज पापा प्लीज 5 मिनट्स 10 मिनट्स यानी कि उसकी क्रिएटिविटी तो हम खत्म कर रहे हैं। आप उसके आईक्यू की बात करें आईक्यू इज वेरी कॉमन आईक्यू का कुछ नहीं है 120 भी मिल जाएंगे 130 भी जल्दी डू दो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी फाइन बट वेयर इज द क्रिएटिविटी कैन ही थिंक कैन ही जनरेट दैट इनसाइट कैन ही यू नो अंडरस्टैंड दोज ही डजंट हैव टाइम उसके पास वक्त ही नहीं है। हमने उसे टेबलेट भी दे दिया हमने उसे हर चीज उसे प्रोवाइड कर दी है कई बार शायद हम अपने फायदे के लिए कर देते हैं कार्टून भी स्विच ऑन द काउंटर है ना बेटा देखो कार्टून देखो है ना मैं भी आई एंड देन यू आर बिजी ऑफ कोर्स दैट इज योर लेकिन हम उसको उसी चीज में किसी पॉजिटिव चीजों में भी इन्वॉल्व कर सकते मेनी हॉबीज म्यूजिक थिएटर प्लेइंग देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इन व्हिच योर चाइल्ड कैन बी स्टार्ट रीडिंग बुक्स आई विश इफ ऑल ऑफ यू डू दिस गुड इट्स वेरी गुड But see that how many of us or father or mother who also sit in front of the child when child is also studying सात-आठ बजे का वक्त है टीवी नहीं चला और फादर एक बुक या कोई भी नोटबुक लेके उसमें कुछ लिख रहे हैं नॉट वर्किंग ऑन नेटवर्क्स उसके सामने कुछ पढ़ रहे हैं रीडिंग हमारे समय में हॉबीज होती थी रीडिंग क्ले मॉडलिंग रीडिंग स्टैम्प कलेक्शन कॉइन कलेक्शंस लीफ कलेक्शंस स्केचेस मेकिंग ड्रॉइंग पेंटिंग बट दीज डेज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज डिजिटल वर्ल्ड has taken over most of the things. Be careful, I'm not against technology, but educate him before giving this bomb in his hand. Because, I know, if a child of, I attended one very big in DC model, it was a big school, huge gathering of around 150 parents, and they, one of them said, okay, why you are talking against technology? I'm saying, I don't talk about against technology. I'm saying that what a child of 10 years had to do with the internet, can you tell me? Kya chahiye usse internet? Aisa kya batana chahte ho aap usse? What do you want to say? कि पूरी दुनिया को जीत लो इस 10 साल की उम्र में? At 10 years he needs good playground. At 10 years of age he needs compassion, love, attachment. Those all positive activity. At 10 years take him to the ground, play with him, play football with him, hang on those trees, climb those trees, do any kind of physical activities, jog with him, jump with him, yell with him, enjoy. What at the age of 10 years a child require it? उसे क्या करना है उसमें? ऐसा क्या उसे बता देगा जो आज उसकी उसे जरूरत है? Develop those habits which are positive, which are creative, with which a child can handle this world in a positive manner. The moment he start, you know, talking about this digital world, and then he's involved with his friends, peer pressure. Most of the peer-oriented children, they do not listen to the parents. They do not agree with the parents. They generally suffer from OD, that is oppositional disorder. Oppositional disorder means defy. They defy. आप कहते हो पढ़ो आए मैंने नहीं पढ़ना आप कहते हो ये खाओ मैंने ये नहीं खाना आप कहते हो टीवी मत देखो मैं टीवी देखूंगा बिकॉज वेन ही डिवेल्प विल ही ऑल्सो डिवेल्प काउंटर विल ईगो नहीं है ईगो इज अ बिग वर्ड फॉर अ चाइल्ड द मोस्ट